टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। तो आज का टॉपिक है हमारा यूपीपीएससी और यूपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 9 सितंबर को पेपर है आई थिंक आपका। तो एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड हो रहे हैं, आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। जिनका भी पेपर है उनके लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि जो करंट अफेयर है जीके है वो किस तरीके का आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आपको यूपीसीएचओ और यूपीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर यूपीसीएचओ में आपका जो करंट अफेयर और जो जीके को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या रहेगा जो जीके करंट अफेयर में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली आपका जो 80% मार्क्स रहेंगे, 85% मार्क्स रहेंगे, वो नर्सिंग कवर करेगा। नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो कवर अप होंगे उसमें। बाकी जो रिमेनिंग बचता है उसमें आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग आ सकता है, थोड़ी एक दो क्वेश्चन मैथ आ सकती है, जीके आ सकता है। बट जो लास्ट यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो उसमें ऐसा ज़्यादा है जो रीजनिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं आया है, ओनली करेंट अफेयर और जीके के 2 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डरने की या फिर किसी अलग तरीके से डाउट में रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर सभी को वन लाइनर क्वेश्चन बेस पर रखा गया है जिससे आपको आंसर इजीली याद रहे और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपका टाइम भी कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कवर अप हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनता की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो कौन सा है, तो वो है यूपी। क्या है यूपी? यदि एरिया वाइज देखा जाता है तो है राजस्थान, बट यदि जनता के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है तो 20.42 करोड़ है जो पॉपुलेशन है कहाँ की। यदि आपको इस तरीके से याद नहीं होता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं, 20 करोड़ पॉपुलेशन, 20.42 है यहाँ पर। तो आप 20 भी याद रख सकते हैं, 20.42 है जो करोड़ में है पॉपुलेशन की। इतनी पॉपुलेशन है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। यदि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राज्य, वो उत्तर प्रदेश। और यदि एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखते हैं, तो वो है राजस्थान। अब यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स और बनते हैं कि यूपी का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है जो क्या है। तो यूपी का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कितना है, 43,000 लाइफ बर्थ पर 43 बच्चों की डेथ होना, इन्फेंट की डेथ होना, तो क्या है यूपी का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है और आईएमआर है। और एमएमआर की बात की जाती है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की, तो वो 197। मैटरनल कितना है, स॔री एमएमआर है 197, 197। और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या है, 43। ये क्या है सब, एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग क्यों ही कलेक्टिंग है यहाँ पर कि यूपी का जो आईएमआर और एमएमआर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं, ये देखिए एक इमेज है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि भारत का जो, यदि भारत का टोटल पूछते हैं एमएमआर तो 113। सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ होती है 2016 से 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ हुई है असम में, एंड सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जो इंडिया का एक ऐसा राज्य है जहाँ का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो सबसे ज़्यादा है, आईएमआर रेशियो, आईएमआर रेट सबसे ज़्यादा कहाँ की, मध्य प्रदेश की। और असम की एमएमआर क्या है, सबसे ज़्यादा 215, यूपी की है 197। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों की जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है जो दी हुई है, बट सबसे ज़्यादा होती है असम की,
इन सबसे कम आता है झारखंड। नेक्स्ट आता है लिटरेसी, मतलब कि साक्षरता। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो फीमेल के लिए अलग साक्षरता है और मेल के लिए अलग साक्षरता है। तो जो फीमेल टोटल यदि पूछा जाता है, यदि आपको मेल फीमेल करके नहीं आता है क्वेश्चन, मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट नहीं पूछते हैं, तो टोटल उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो कितनी है? 69.72%। और भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। और सबसे लोअर लिटरेसी रेट कहाँ की है? तो वो है बिहार की। और यूपी की पूछते हैं तो कितनी है? 69.72%, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 79.24 एंड फीमेल के ये 59.26। और यदि सेक्स रेशियो पूछा जाता है, तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल है। यदि भारत का पूछते हैं, पूरे इंडिया का पूछते हैं, तो डिफरेंट होगा। बट यदि यहाँ पर यूपी का बस पूछते हैं, तो यूपी का यदि सेक्स रेशियो पूछा जाता है, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो एग्ज़ाम में आ सकती है। यूपी का यदि सेक्स रेशियो पूछते हैं, यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है, बट यूपी का जो 2011 की जनगणना के हिसाब से है, सेक्स रेशियो कितना है, तो यूपी का जो सेक्स रेशियो है वो है 912। कितना है? 912। और यदि नेशनल एवरेज पे बात की जाती है, तो 940। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल रही? 912, 912 फीमेल पर 1000 मेल। सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने फीमेल हैं पर 1000 मेल पर? तो यहाँ पर सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी हो गई यूपी की, एमएमआर हो गया एंड आईएमआर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अलग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो रिसेंट में भारत के CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है NV रमन, जो कि 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने 48वें CJI के तौर पर शपथ ली है। किसने? जो CJI है हमारे भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है? NV रमन, जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को अपनी शपथ ली है। और इनका जो कार्यकाल है, कब स्टार्ट हुआ है? 24 अप्रैल 2021 को। तो जो CJI बने हैं हमारे इंडिया के, NV रमन, जिनको रामनाथ कोविंद के ऑफिस में क्या किया गया, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई है। तो जो NV रमन ने किसका कार्य, किसके बाद है जो इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है, तो इन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, 47वें नंबर के जो CJI थे, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, उनके बाद इनको अपॉइंट किया गया है, NV रमन को, जो कि 48वें नंबर के CJI हैं। और जो CJI है, इनको शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो इनको शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द रिसेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो रिसेंट में यूपी के जो हेल्थ मंत्री हैं, वो कौन है? वो जय प्रताप सिंह। कौन है? जय प्रताप सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज़ द करेंट और रिसेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश की जो करेंट गवर्नर हैं, वो कौन है? तो है आनंदीबेन पटेल, जो कि 2019 से गवर्नर है यूपी की। तो जो उत्तर प्रदेश की रिसेंट गवर्नर है, वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। और जो आनंदीबेन पटेल हैं, ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आपको याद रखना है कि आनंदीबेन पटेल का जो कार्यकाल, जो काम रहा है, वो गुजरात की सबसे पहले बनने वाली महिला मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल। और अभी एट प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि 21वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, जिन्होंने 19 मार्च 2017 को एज ए चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने 2019 में अपना कार्यकाल ग्रहण किया था। CM है योगी आदित्यनाथ, जो कि 21वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने 19 मार्च 2017 को शपथ ली थी और ये अभी तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट पैरालंपिक्स? पैरालंपिक्स जो चल रहे हैं, ये भी टोक्यो में ही हुए हैं। तो पैरालंपिक्स में भारत की तरफ से किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि
फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने पहला पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन में भाविना पटेल, अवनी लेखरा, रूबीना फ्रांसिस या फिर सोनलबेन मनुभाई पटेल। तो जो पैरालंपिक्स टोक्यो में ही हो रहे हैं, जापान का जो शहर है टोक्यो, वहाँ पर ही हो रहे हैं पैरालंपिक्स गेम भी। तो फर्स्ट इंडियन वूमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो वो कौन है? ये अवनी लेखरा, जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किसके लिए हराया है? तो यूक्रेन की आर्या है जिनके लिए इन्होंने हराया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत की जो फर्स्ट इंडियन वुमेन इन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता है वो कौन है? अवनी लेखरा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज मेकिंग इट्स डेब्यूट एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, जो ओलंपिक्स होते हैं एवरी 4 ईयर में कंडक्ट होते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जापान के टोक्यो शहर में हुए हैं। इस बार 2020 के जो ओलंपिक गेम्स है वो 2021 में कंडक्ट करवाए गए, बट इसको यदि आपको एग्ज़ाम इसी तरीके से आएगा तो टोक्यो ओलंपिक्स में ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिन्होंने पहली बार अपना डेब्यूट किया है? डेब्यूट मतलब कि फर्स्ट टाइम में होने वाला है, लॉन्च किया है स्पोर्ट। तो ऑप्शन में कराटे, स्विमिंग 100 मीटर, रेस 50 मीटर या किलोमीटर या फिर एनएफटी अब। टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में जो पहला स्पोर्ट है जिसने अपना डेब्यूट किया है वो है कराटे। क्या है? कराटे। कराटे है जो पहला गेम प्रोग्राम है जो टोक्यो 2020 का हुआ है, उसमें इसको लाया गया जैसे मैन एंड वुमेन दोनों के लिए कम्पीट करने के लिए अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो यहाँ पर जो कराटे है ये कहाँ का खेल है? तो इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है जापान में, और इसको जापान से ही ओरिजिनेट किया गया है। तो कराटे कहाँ का खेल है? तो ये है जापान का, और टोक्यो ओलंपिक में डेब्यूट करने वाला है ऐसा एक गेम बन गया है कि पहली बार कराटे है जो ओलंपिक में भी खेले गए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कलर ऑफ द ओलंपिक रिंग? ओलंपिक रिंग की जो कलर होते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन में ब्लू, ब्लैक, येलो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है इस रिंग का, ओलंपिक रिंग का, तो ये होता है वाइट कलर का, बट इसमें जो रिंग होती हैं अलग अलग कलर की, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो कलर यूज़ किए जाते हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, 5 कलर यूज़ किए जाते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो यूरोप के लिए जो रिंग है वो क्या है? ब्लू कलर की होगी, एशिया के लिए येलो, अफ्रीका के लिए ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन और अमेरिका के लिए रेड। तो जो कलर रिंग है ये आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। और नेक्स्ट समर गेम्स होंगे ओलंपिक्स के, वो कहाँ पर होंगे? पेरिस में 2024 में। एवरी 4 ईयर है जो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए जाते हैं, आपको याद रखना है। ओलंपिक की जो कमेटी है इसने 2032 तक के गेम के लिए है जो शेड्यूल कर लिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, कि 2032 तक है जो ओलंपिक किस किस जो देश है वहाँ पर खेले जाएंगे। तो अभी 2020 का है जो 2021 में ही हुआ है, तो ये कहाँ खेला गया? तो जापान के टोक्यो शहर में खेला गया। और इसकी जो रिंग होती है ओलंपिक रिंग, ये इसमें 5 कलर यूज होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 5 कलर हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है यूनाइटेड प्रोविनेंस। क्या है? यूनाइटेड प्रोविनेंस और संयुक्त प्रांत। तो यहाँ के उत्तर प्रदेश की 2 राजधानी हैं, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। याद रखें कि प्रशासनिक राजधानी आती है तब आपको लखनऊ और न्यायिक आता है तब प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या? संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस। और इसका जो स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश की, हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन पूछते हैं तो 1 नवंबर 1956 को। याद रखें कि पुराना नाम और प्राचीन नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को और इस राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 को, 1 नवंबर 1956 को।
इस राज्य की दो राजधानी है, एक है प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, दूसरी न्यायिक राजधानी प्रयागराज। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना 2.0 इज लॉन्च इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत में जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना है, PMUY जो योजना है 2.0, इसका लॉन्च किस शहर में हुआ है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना 2.0 है जो लॉन्च की गई है, हुई है यूपी में। यूपी में सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है, फर्स्ट एडिशन आया था 1 मई 2016 को, ये भी उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में लॉन्च किया गया था इलेक्शन के टाइम पर। और जो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड फेज है, ये भी नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की है। कब ये लॉन्च की है? 10 अगस्त को। नेक्स्ट, व्हेन वी सेलिब्रेट द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो 15 अगस्त के पहले, आई थिंक 13 अगस्त को, JP नड्डा हैं जिन्होंने ट्विटर हैंडल के थ्रू ये जानकारी दी थी। देन आफ्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये जानकारी दी थी कि हम अब हर साल जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, वैसे ही हर साल 14 अगस्त को क्या मनाएंगे? विभाजन स्मरण दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए विभाजन स्मरण दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, कब? 14 अगस्त को हर साल। और इसी साल से मनाया जाना स्टार्ट होना है, तो फर्स्ट है जो हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज हु इज़ द करेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट भारत के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो मनसुख मांडविया, जिन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए रिप्लेस किया है। इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, बट नाउडेज मनसुख मांडविया हैं जो भारत के प्रेजेंट में रहने वाले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में CGI, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर की जो नियुक्ति है, अपॉइंट है, वो कौन करता है? तो ये कहते हैं प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो उनको जो पार्लियामेंट होता है, जिस पार्टी की ज़्यादा सीट होती है वही है जो अपने सदस्य के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा? होगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट इज विच इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? जैसे कि भारत की रुपीज़ है, US की डॉलर है, इंग्लैंड की पाउंड है, वैसे ही थाईलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? ऑप्शन में रुपीज़, किप, बट या फिर रिंगिट। तो थाईलैंड की करेंसी है वो होती है बट। इस तरीके से इमेज में आप देख सकते हैं थाई बट, यहाँ पे याद रखना है थाई बट, BHT बट, थाई बट, और ये क्या है? थाईलैंड की करेंसी है। नेक्स्ट, इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। तो भारत में साइमन कमीशन कब आया था? ऑप्शन में 1927, 1928, 1929 या फिर 1931। तो भारत में साइमन कमीशन आया था, ये आया था 1928 को। सर जॉन साइमन ने 1927 से प्रयास करना स्टार्ट कर दिए थे, बट ब्रिटिश इंडिया में जो साइमन कमीशन पास हुआ था, कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश फोक डांसेस। तो यूपी का जो फोक डांस है वो क्या है? ऑप्शन में भरतनाट्यम, नौटंकी, कुचिपुड़ी या फिर गरबा। यूपी का जो फोक डांस है वो है क्या? गरबा। कहाँ का है? तो गरबा है गुजरात का, एंड कुचिपुड़ी केरला का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और जो यूपी का फोक डांस है वो क्या है? नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा या फिर चपेली या फिर जैटा, ये क्या है? बेसिक और फोक डांस है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? नौटंकी। नेक्स्ट है 2020 ओलंपिक्स इज हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2020 के ओलंपिक गेम है कहाँ पे हुए? तो हुए थे जापान के टोक्यो शहर में, जो कि 24 जुलाई से 9 अगस्त तक कंटिन्यूस चले हैं। देन आफ्टर अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों ने मेडल जीते हैं। भारत में ही जो गोल्ड मेडल मिला है वो किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। किसमें? जो उन्होंने
भाला जिसको हम कहते हैं उसको फेंकने पर उनको ये अवार्ड दिया गया, गोल्ड मेडल मिला है किसको, नीरज चोपड़ा को। तो गाइस देते हैं यहाँ पर इतने ही एमसीक्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।